हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू कैप्चर कि यहाँ पे जो प्ले सेंटर हैं ऑस्ट्रेलिया में वो कैसे होते हैं। सो अभी हम लोग स्माइली को एक प्ले सेंटर लेके आए हैं। द प्ले सेंटर इज कॉल्ड बाउंस। सो लेट्स चेकआउट की कैसा है ये प्ले सेंटर। सो फ्रेंड्स ये वाले प्ले सेंटर में मोस्टली जो है वो ट्रैम्पोलिन्स एंड इट्स लाइक अ सॉफ्ट प्ले सेंटर। सो लेट मी शो यू, दिस इज़ द एंट्री एंड वंस यू कलेक्ट योर टिकट्स फ्रॉम हेयर यू हैव टू टेक अ स्पेशल सॉक्स ऑल्सो फ्रॉम हेयर बिकॉज विदाउट दैट सॉक्स यू आर नॉट सपोज टू एंटर इट। और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ वॉल क्लाइंबिंग वगैरह है। सो दिस ऑल इज़ वॉल क्लाइंबिंग एक्टिविटी। सो इफ यू हैव टू गो फॉर वॉल क्लाइंबिंग तो यहाँ से आपको सेफ्टी हार्नेस हेलमेट ये सब जो है ये डालनी पड़ती है। और बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स जो है उनको सुपरविजन के साथ ही जो है वो इस एरिया में जाने दिया जाएगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा कैफ़े एरिया है इन केस यू वांट टू ईट समथिंग। दिस इज़ अ स्मॉल कैफ़े हेयर। और चलिए अब हम लोग प्ले एरिया की तरफ चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्ले एरिया कैसा है। सो जो प्ले सेंटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये वाला जो है ये एक ट्रैम्पोलिन वाला प्ले सेंटर है तो मोस्टली जो सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे वो ट्रैम्पोलिन बेस्ड ही हैं। सो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये ट्रैम्पोलिन बनी हुई हैं तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फ्रीली जंप कर सकते हैं। सो इसकी जो टिकट रहती है वो आर्ली बेसिस पे होती है। सो यहाँ पे 1 आवर का जो है वो 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लगते हैं। सो हमने 1 घंटे की बुकिंग ली थी इसमें। यहाँ पे ये जो है ये ऑब्स्टिकल कोर्स है एंड हर जगह पे जो है वो हाइट मेंशन रहती है कि कितनी हाइट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए टू एंटर हेयर। और ऐसा नहीं है कि ये वाला जो प्ले सेंटर है इसमें सिर्फ किड्स ही नहीं एडल्ट्स भी जो हैं वो जा सकते हैं बिकॉज ये सारा सिर्फ ट्रैम्पोलिन वाला ही है। सो इवन एडल्ट्स कैन ऑल्सो गो, दे कैन ऑल्सो बाय टिकट, वही $20 पर एडल्ट या फिर $20 पर किड जो है फॉर 1 आवर इसका प्राइस है। और यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है कि इस तरीके के जो प्ले सेंटर्स रहते हैं यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ भी होती हैं। सो यहाँ पे कुछ किड्स जो हैं वो बर्थडे पार्टीज़ वाले भी थे, उन लोगों को साइड पे एक स्पेस दी जाती है एंड एक होस्ट जो है वो उन्हें अलॉट कर दिया जाता है जो कि उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। सो वीकेंड पे मोस्टली काफ़ी सारे बर्थडेज़ होते हैं। इस टाइम पे भी 3 या 4 बर्थडेज चल रहे थे यहाँ पे। सो ये जो सारा एरिया था मोस्टली यहाँ पे बर्थडे पार्टी वाले किड्स थे। सो एंड थोड़े बड़े जो बच्चे थे वो यहाँ पे खेल रहे थे। सो देर वॉज सम पार्टी गोइंग ऑन हेयर। सो ये जो है ये वॉशरूम एरिया है। यहाँ पे इस तरीके से वॉशरूम जो है वो बने हुए हैं एंड अंदर जो है वो शॉवर कैबिन्स भी हैं। सो इन केस फिज़िकल एक्टिविटी के बाद किसी को शॉवर लेना है सो देयर आर दीज शॉवर कैबिन्स आल्सो एंड यहाँ पे लॉकर सिस्टम भी है। सो अगर आप चाहें तो इस तरीके का जो लॉकर है वो भी हायर कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट पुट योर स्टफ़ इनसाइड दिस।
और यहाँ ये एक डिफरेंट साइड पे जो है ये छोटे बच्चों के लिए खेलने का एरिया बना हुआ है, क्योंकि ट्रैम्पोलिन वाली साइड में मोस्टली जो 5+ ईयर किड्स हैं वो ही जाते हैं, एंड देन उससे छोटे जो भी बच्चे हैं दे गो ऑन दीज टाइप ऑफ सॉफ्ट प्ले स्लाइड्स, और ये सारा एरिया जो है ये अंडर 5 वाले किड्स के लिए है। सो सिंस ये वीकेंड था सो काफ़ी ज़्यादा रश था इस टाइम पे, और यहाँ पे ये जो है छोटे बच्चों के खेलने वाले एरिया में ये मसाज चेयर भी लगी हुई है। नॉर्मली प्ले सेंटर में ये मसाज चेयर भी रहती है, इसमें $2 कॉइन डालते हैं तो 5 मिनट्स के लिए मसाज चेयर पे मसाज ले सकते हैं। सो आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग हियर फॉर सम टाइम, 5 मिनट्स मसाज ली मैंने यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्नैक्स खाए एंड फिर हम लोग निकल गए। तो लंच की जगह पे जाते जाते हमें शाम हो गई थी, तो यहाँ पे स्माइली है, ही इज़ फीलिंग भी बहुत उसको हंगरी हो रहा था इस टाइम पे, बिकॉज हमें हम लोग जिलोंग गए थे तो मेलबोर्न वापस पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। सो वी जस्ट केम फॉर द फूड हेयर, तो ये हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे एंड देन वी इन्जॉयड सम इंडियन फूड हेयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।